महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन। लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बा तू। कलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। सभी सुंदर साथ को प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, कल हमने पांचवी, छठी, सातवीं और आठवीं की शोभा का वर्णन किया, या आठवीं की शोभा में हमने आनंद लिया राज्य के साथ। तुमको हक बोलावत, राज्य महाराज हमको बुला रहे हैं, तुमको हक बोलावत करने मीठी बात। याद करो तुम तिनको, तुम हो हक की जात। राजी महाराज हमें अपने घर बुला रहे हैं कि अब मुझसे मीठी मीठी बातें करने, अब बहुत माया का खेल देख लिया, अब तो मेरे पास आ जाओ। हम राजी की जात है, यानी राजी के ही अंग है। स्वलीला अद्वैत, जैसे कि कल श्रीवास्तव जी क्लास में हम सुन रहे थे कि उसका क्या मतलब है कि सब कुछ राजी, राजी के दिल में हम, कुछ फर्क नहीं है राजी, श्यामा जी और सखियों में, सब राजी की ही लीला यहाँ पे होती है। पूरे परम धाम के 25 पक्ष में राजी ही है, हमें बुला रहे हैं राजी महाराज। आज हमें कहाँ बुला रहे हैं? नौमी भौम में, कि अब हम मिल के चलते हैं नौमी भौम के छज्जों पे, यहाँ बैठेंगे और राजी के साथ आनंद करेंगे हम। तो पहले तो हमें शुरू से ये देखना है, पहली भौम में था हमारा रसोई की हवेली और मूल मिलावा, सब अंदर अंदर अपने दिल में बोलेंगे। दूसरी भौम में भुलवनी और खड़ोकली, तीसरी भौम में पड़साल, चौथी भौम निरत। चौथी भौम की चौथी चौरस हवेली में निरत होता है, और पांचवी भौम शयन के मंदिर, जो हमारे बिल्कुल सेंटर में, रंग पर वाली मंदिर जो हमारा सेंटर में आया है। नौ चौक सब जगह आए हैं जैसा कल अपन ने देखा था, और रंग पर वाली मंदिर पांचवी भौम में। छठी भौम में हमारे थे सुखपाल के ठहरने के स्थान, देखो इसमें भी थोड़ा सा निशान के रूप में ये सुखपाल बनाए हुए हैं। और सातवीं भौम में हमारे दो ताली के हिंडोले, और आठवीं में हमारे चार ताली के हिंडोले, और नवीं भोम, ये आज हम सब यहाँ चलेंगे, जो दूरदर्शिका जिसको बोलते हैं, कि राजी श्यामा जी और हम सब सखियां जब पूरब की दिशा में बैठते हैं तो राजी हमें इशारे से पूरब की दिशा का आनंद बताते हैं। अब सबसे पहले इसके समझने के लिए हमें छज्जों को, जो जहां पे लीला होती है, नौवीं भौम दर्शिका है क्या? ये नौवीं भौम है ये, तो ये हमारे यहाँ पे हम सब राज्य के साथ बैठते हैं, बाहर की साथ, बाहर की जगह छज्जों पर। जैसे ये पड़साल थी, तो ये छज्जा जो बाहर निकला हुआ है, यहाँ हम सब बैठते हैं, पूरी घेर के छज्जा आगे बढ़ा हुआ है। अब वो कैसे बढ़ा हुआ है, उसके लिए हमें पहले नीचे की चीज को समझना होगा कि ये वाले छज्जे में और ये वाला जो हमारी रौंस आई है, कि फर्क क्या आया है, तभी हमें ऊपर का छज्जा समझ में आएगा। तो इसीलिए ये वाला हमने नक्शा डाला है कि, एक सेकंड जूम कर लें इसको अच्छे से, अब सब सुंदर साथ को पता है कि यहां से जब 100 सीढ़ी चढ़े, एक चौक आता है और इधर ही हमारे चबूतरे आते हैं, और यहाँ से पूरी परिक्रमा रौंस घूमती है। हमने स्टार्टिंग में ये समझा था, तो ये परिक्रमा रौंस कितनी है हमारी,
सौ हाथ की ये परिक्रमा रॉस है, ये वाली बड़ी जो घूम के हम चारों दिशाओं में ये परिक्रमा मतलब पूरी लगा सकते हैं हम, इसको धाम रॉस कहते हैं। रंग महल की रॉस चारों तरफ घूमी है तो ये सौ हाथ की हमारी रॉस है। ये सबसे पहले धाम चबूतरे के बिल्कुल पहली भौम में हमारे सौ हाथ की है। अब दूसरी से लेकर आठवीं भौम तक, नौवीं भौम की नहीं बात हो रही, आठवीं भौम तक हमारा जो ये छज्जा बढ़ेगा ये खाली 33 हाथ का बढ़ेगा, यानी कि वो छोटा होगा, नीचे से थोड़ा छोटा होगा। नई गिनती याद होती तो बस इतना समझना है कि जो नीचे वाली परिक्रमा है ये बड़ी है, और जो दूसरी भौम, तीसरी भौम, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और आठवीं, यहाँ पे हमारे ये जो बाहर बॉलकनी बड़ी हुई है ना, ये नीचे के मतलब कि नीचे के अंतर, नीचे और इसमें क्या अंतर है, ये छोटी है जगह, 33 हाथ की है इस इन मंदिरों के आगे, और बाहर जो फर्स्ट वाली है ये बड़ी परिक्रमा है। अब ये समझाना इसलिए जरूरी है क्योंकि नवी भौम में फिर से बड़ा छज्जा आगे निकला है, सेम इसके जितना, बिल्कुल इतनी ही परिक्रमा नौवीं भौम में आएगी, बाकी सब पीछे होंगे। हम जब यहाँ खड़े होंगे तो हमें पूरी नौवीं भौम का ऐसे छत नजर आएगी। वो कैसे आएगी, अभी मैं उसकी पिक्चर दिखाती हूँ कि कैसे नजर आएगा। ये देखो नक्शा आ रहा है ना ढंग से, सोनू, आशु, कोई भी बता सकते हैं। हाँ जी, आ रहा है बहुत अच्छे से। ये देखो ये छज्जा, ये नौवीं भौम का इतना आगे छज्जा बड़ा हुआ है। अंदर से हम बाद में समझेंगे, पहले बाहर की पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि हम बैठते कहाँ पे हैं। दूरदर्शिका से मतलब कि बाहर छज्जा बढ़ गया और हम यहाँ राज्य के साथ बैठते हैं यहाँ पे, तो अब नीचे से कैसा लगेगा, जब नीचे की रॉस पे खड़े हैं तो हम यहाँ से पूरी, हमें एक छत, बाकी सब हमारी परिक्रमा वो पीछे रह जाएगी, लेकिन नौवीं भौम का ये छज्जा हमें उस परिक्रमा रॉस पे ऐसा नजर आएगा। बाकी सब हमारी 33 हाथ की परिक्रमा है, लेकिन जो नीचे वाली और ऊपर वाला नौवीं भौम का वो छज्जा एक बराबर, बाकी सब पीछे नजर आएंगे, ये हमारी शोभा नजर। और जूम करती हूँ, 1 सेकंड रुको। इस वाली पिक्चर पे अभी कोई ध्यान नहीं देगा, मेन जहां मेरा मेरा एरो चल रहा है उस तरफ हम गौर से देखेंगे कि हमारा वो छज्जा दिखता कैसे है। नीचे से खड़े होते हैं जब हम धाम की जो परिक्रमा है उस पे खड़े होंगे तो ये हमें नजर आएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि बाकी के जो दूसरी और जो आठवीं भौम के, सातवीं के जो छज्जे हैं वो पीछे रह गए, ये वाला बड़ा हो गया तो ये छोटा छज्जा है, और गिनती याद होती है तो ये 33 हाथ का है तो ये 100 हाथ का छज्जा है, जैसे नीचे निकला था सेम वैसे। अभी ये हमने बाहर से समझा कि वो दिखेगा कैसे, यानी कि जब हम चांदनी चौक पे खड़े हैं तो हमें ये ऐसे नजर आएगा, और यहाँ पे कोई सखी, मान लो चांदनी चौक पे खड़ी है और कोई सखी यहाँ छज्जों पे खड़ी है तो हम उनसे यहाँ बैठ के बातें भी कर सकते, चांदनी चौक पे खड़े हुए इशारों से, तो ये सखी यहाँ पे आके यहाँ पे बैठ सकती है छज्जे में बड़े होंगे, बाकी सब में भी करेंगे। मैं आपको सिर्फ एक समझाने की उससे कर रहे हैं कि ये बड़ा हुआ है, नीचे से ये ज्यादा बड़ा है, गुर्ज की जगह गुर्ज जा रहा है, ये देखो ये गुर्ज अपनी जगह पे जा रहा है ना, तो इस जगह भी छज्जा बढ़ गया, ये वाला भी आगे बड़ा हुआ आएगा, और ये थंब दिख रहे हैं नौवीं भौम के, अभी हम इसको समझेंगे बाद में, पहले अभी बाहर की पिक्चर की छज्जा कैसे नजर आता है। वापिस से वही पिक्चर देखते हैं, ये देखो ये बाहर की हमारी परिक्रमा, बाकी सब पीछे है लेकिन ऊपर वाला नौवीं भौम का छज्जा
उतना ही बराबर जितना ये नीचे है पहली होम वाला, बाकी सब पीछे है। गुर्ज नजर आ रहे हैं ये वाले, मंदिरों का हास नजर आ रहे हैं, और बाकी रेलिंग हमारी 33 हास की। दूसरी से आठवीं तक के हमारे छज्जे थोड़े पीछे हो गए, पहली और नौवीं का बराबर आएगा। अब हम चलते हैं अंदर से समझने के लिए कि अंदर क्या शोभा अलग से आई है नौवीं भौम में। उसके लिए हम अंदर चलेंगे धाम दरवाजे से, हम सब मिलके अंदर चलते हैं सीढ़ियों वाले मंदिर से, नौवीं भौम में चलते हैं। ये देखो सुंदर साहब जी, ये हमारी नौवीं भौम ये वाली। अब सब सुंदर साहब को पता है कि बाहर की जो पड़साल है सेम उसकी जगह वैसी ही छज्जा ऊपर से बड़ा हुआ वैसे नजर आ रहा है। सबसे पहले हम 10 मंदिर का जो एक हांस है उसकी शोभा को समझेंगे, फिर बाकी की शोभा समझेंगे कि वो कैसे छज्जा आगे बड़ा हुआ किस तरह से आया है। पहले हमने 10 मंदिर का जो एक हांस है उसकी शोभा को समझते हैं। अब सीढ़ियों वाले मंदिर से हम 28 स्तंभ के चौक में आ गए, तो हमने कहाँ आना है, बाहर छज्जे में, दूरदर्शिका में। जब राजी यहाँ पूरब की साइड इस छज्जे पे बैठते हैं तो हमें कहाँ से आना पड़ेगा, सीढ़ियों वाले मंदिर से 28 स्तंभ के चौक में आए तो सामने अपना मुख कहाँ पे किया हमने, पूरब की साइड, पूरब की साइड मुख किया। तो एक गली, 28 स्तंभ के बाद क्या आती थी, एक गली। अब मैंने क्या देखा कि जो यहाँ पे हमारे मंदिर आए थे धाम दरवाजे का जो गेट था नीचे, वो सब 3 सीढ़ी ऊपर है, यहाँ पे 3 सीढ़ी ऊपर है। सबको याद है तीसरी भौम की पड़साल में भी 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के आते हैं। वैसे आज हम सुंदर साथ को बताते हैं कि तीसरी भौम में जब 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के यहाँ पहुंचते हैं तो चौथी में भी 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के आएंगे, पांचवी में भी। क्योंकि आज मैंने द्वारदास महाराज जी की वृत्त पढ़ी थी, उसमें था कि जब तीसरी से 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ रहे हैं तो चौथी में भी वही स्थिति है, पांचवी में भी, छठी में भी, सातवीं में भी, आठवीं में भी, नौवीं में भी। अब शोभा क्या आती है इसमें अलग से कि यहाँ पे 3 सीढ़ी जब ऊपर चढ़ेंगे तो यहाँ पहले क्या आते थे, मंदिर। क्या से मंदिर आते थे, सीमा मेरे साथ हैं बोलो, यहाँ पे क्या शोभा आती थी हमारे, सीमा चुग है ना हमारे साथ, यहाँ पे क्या शोभा आती थी, एक धाम दरवाजा, दहलान, दहलान की आएगी ना, हाँ तीसरी बोम में धाम दरवाजा, और इधर साथ में एक एक मंदिर ले लेते थे तो दहलान बन जाती थी, उस जगह मंदिर नहीं थे, है ना। तो यहाँ पे क्या शोभा आई है कि मंदिर की पश्चिम वाली दीवार तो आई है। एक मंदिर कैसे बनता है, 4 दीवारों से, पश्चिम की दीवार, उत्तर की दीवार, दक्षिण की और पूरब की। तो पीछे वाली दीवार आई है, यानी कि हम यहाँ से चढ़े तो एक पश्चिम की दीवार नजर आ रही है और मंदिर के गेट भी नजर आ रहे हैं। 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ना है, गेट यहाँ बने हुए हैं मंदिर के, लेकिन जब अंदर आएंगे तो वहां मंदिर नहीं है, वहां दहलान है। अब ऐसी सेम शोभा कहाँ पे आई थी सुंदर साहब जी, याद करो, तीसरी भौम में जब दक्षिण की दहलान और उत्तर की दहलान समझी थी तो पीछे वाली दीवार आई थी, दीवार में दरवाजे भी आए थे तो सामने क्या आया था, बाकी थंब आ गए थे, उस जगह मंदिर नहीं थे, वहां थम थे। मैं वो शोभा दोबारा से दिखाती हूँ तीसरी भौम की, सबको वो चीज याद आ जाएगी कि कैसे दीवार आई थी, आगे मंदिर नहीं थे, उस जगह पे थम आए थे। तीसरी भौम की शोभा को एक बार देखते हैं,
तीसरी बोम नहीं, पहली बोम सुनो। पहली बोम रसोई की हवेली की शोभा, उसमें दहलान का जो वर्णन हुआ था, मैं गलत बोल रही हूँ, तीसरी बोम, पहली बोम रसोई की उसकी शोभा। ये देखो पीछे की दीवार आई है तो आगे हमारा मंदिर नहीं है, उस जगह पे थंब आए हैं। एक और पिक्चर दिखाते हैं, ये देखो सेम ऐसी ये वाली, इस पिक्चर को सब देखेंगे आराम से। ये पहली रसोई की हवेली की दहलान, पीछे वाली दीवार नजर आ रही है, चाहे पश्चिम उत्तर वाली या दक्षिण वाली कोई भी समझ सकते हैं अभी हम इसको। पीछे दीवार है, दीवार में हमारे दरवाजे भी हैं, लेकिन आगे आए तो मंदिर नहीं है, उसकी जगह क्या आ गए, ये थंब आ गए, है ना, आगे खुली जगह है, इसको हम कह देते हैं दहलान। जब ये बात समझ में आई है तो नौवीं भौम में जो दहलान बनी हुई है, ये बिल्कुल सेम सिचुएशन है कि जब हम तीन सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे तो हमें मंदिर के गेट नजर आएंगे, ऐसे चांदे के द्वारा सीढ़ियां ऊपर चढ़ेंगी, अंदर आएंगे तो मंदिर नहीं नजर आएगा, उसकी जगह हमें 6000 ऐसे थंब नजर आ रहे होंगे, पूरे थंब नजर आएंगे जो दहलान कह देते हैं। अब हम चलते हैं वापिस से उसी नक्शे पे। नक्शा जरा भी रुके तो बताना कि क्या कुछ प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि नक्शा सही समझ में आना चाहिए। दोबारा से चलते हैं हम पहली रसोई की हवेली की, जो सीढ़ियों वाले मंदिर से हम ऊपर आए, 28 स्तंभ के पास आ गए, क्योंकि हमें सामने बालकनी में आना है। तो सामने आके हमने देखा कि यहाँ पे हमें दीवार नजर आ रही है मंदिर की, दीवार में से गेट भी नजर आ रहे हैं, हर मंदिर के गेट नजर आ रहे हैं, और तीन सीढ़ी ऊपर चांदों के द्वारा दाएं बाएं सीढ़ियां इस गली में उतरी हुई हैं। सब सुंदर साध को पता है गुम्मट जी सब जाते हैं मंदिर पन्ना जी, जब हम गुम्मट जी के सामने वाले मंदिरों में, जो सामने वाले हमारे कमरे हैं उसमें रहते हैं, तो एक बाहर की साइड गली में दरवाजे खुलते हैं तो क्या आता है, वहां भी ऐसे चांदों के द्वारा दाएं बाएं सीढ़ियां उतरती हैं। तो यहाँ पे वैसी ही सीढ़ियां, सामने सीधी सीढ़ियां नहीं है, तीन सीढ़ियां, चांदा बन गया और दाएं बाएं इस गली में दोनों तरफ से सीढ़ियां उतरेंगी हर एक मंदिर की। देखो ये एक मंदिर, दो मंदिर, तीन मंदिर और चार मंदिर, चार मंदिर का गेट है, चांदों के द्वारा सीढ़ियां इस गली में उतरी हुई है। तो ये धाम दरवाजे का गेट है, चांदा आगे बन गया और ये दोनों तरफ से सीढ़ियां उतरी हुई हैं, तो इधर भी ये चार हमारे दरवाजे, चार सॉरी मंदिर के ये दरवाजे, तो टोटल ये 10 हमारे हो गए ना, चार और चार 8 और एक 9, मतलब कि ये दो मंदिर का हमारा धाम दरवाजा था, तो 10 मंदिर की पूरी जगह है। तो दीवार आई है, दीवार में दरवाजे आए हैं और चांदों के द्वारा सीढ़ियां गली में उतरी हुई हैं। अब हम यहाँ से इस गेट से अंदर आओ चाहे यहाँ से आओ, अंदर आए तो हमने क्या देखा कि सामने मंदिर नहीं है, उसकी जगह क्या है, दहलान है, ये एक मंदिर की ये दहलान, यानी कि यहाँ थंब लग गए तो दहलान कह दिया उसको, और पड़साल की जगह पड़साल आ गई, सेम वैसी शोभा, गुर्ज की जगह गुर्ज, अपनी जगह जहां आते हैं वहां आ रहे हैं, सेम नीचे से जो चले चले आ रहे हैं। अब हम ये शोभा समझ ली, अब देखते हैं ये मंदिरों की हार में कैसी शोभा आई है। सब सुंदर साथ को पता है कि धाम दरवाजे के साथ इधर एक हमारी मंदिरों की हार नीचे हर एक भूम में घूमती है, 6000 मंदिरों की ये हार और ये दूसरी हार। अब यहाँ क्या शोभा है, सेम इस तरह से शोभा है कि यहाँ कमर भर ऊंचा चबूतरा पूरा ही 6000 मंदिर का लंबा पूरा गोलाई में उठा दिया, ये पूरा 6000 मंदिर का ये पूरा चबूतरा कमर भर, मंदिर की जितनी हमारी जगह है पूरा चबूतरा ही उठा दिया, और चबूतरे से अब यहाँ पे
तीन सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे तो हर एक मंदिर का दरवाजा नजर आ रहा है। ये देखो हमारे जो 6000 मंदिरों के दरवाजे वैसे ही, और चांदे के द्वारा सीढ़ियां पहली गली में उतरी हुई हैं। तो ये 6000 मंदिरों के दरवाजे नजर आ रहे हैं, जैसे कि पहली रसोई की हवेली में हमारी दहलान थी कि पीछे उत्तर वाली भी दीवार थी और दक्षिण वाली दीवार थी, लेकिन अंदर आए थे तो हम सामने थंब लगे हुए थे, वो दहलान थी। तो सेम वैसी शोभा कि यहाँ तक हमारे जहाँ मंदिरों की जगह थी तो वहां पे दहलान बन गई, थंब लगा दिए, मतलब 6000 और उसमें मेहराब बना दी। अभी हम पूरी वीडियो दिखाएंगे इसकी, तो उससे थोड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा। पहले ऐसे समझ लेते हैं, फिर वो थोड़ी वीडियो चला देंगे तो उसमें पिक्चर बिल्कुल क्लियर समझ आ रही है कि कैसे दहलान आई है। यहां से आए हम, हर एक गेट में से कहीं से भी अंदर आओगे तो हमारे मंदिर की जगह वहां पे थंब नजर आ रहे हैं, और गुर्ज की जगह देखो गुर्ज नजर आ रहा है। अब छज्जा कैसे आगे बढ़ा, वैसे ही 100 हाथ का छज्जा और आगे बढ़ा दिया। बाकी 7वीं, 8वीं, 3री, 4थी में कितना छज्जा था, वो 33 हाथ का, लेकिन इसमें कितना ही बढ़ेगा, 100 हाथ का छज्जा बढ़ गया। और छज्जे के यहाँ कठेड़ा लगा दिया और यहाँ पे थंब भी लग गए, यहाँ पे भी थंब लगा दिए, अलग शोभा 9वीं भौम की, बिल्कुल डिफरेंट। दोबारा से समझते हैं हम, यहां से जब हम आएंगे सीढ़ियों वाले मंदिर से 9वीं भौम में 28 स्तंभ के चौक को पार करेंगे तो सामने वाला जो 10 मंदिर का हांस है वहां पे हम क्या देखेंगे कि तीन सीढ़ियां ऊपर चढ़ते हैं, हर एक मंदिर का दरवाजा नजर आएगा, लेकिन जब हम अंदर आएंगे तो मंदिर नहीं नजर आएगा, उसकी जगह हमें यहाँ पे दहलान नजर आएगी, यानी कि थंब नजर आएंगे। तो ये हमारी दहलान होगी, ये दीवार बनी हुई है और दीवार में गेट वैसे ही नजर आएंगे बाहर से, लेकिन अंदर आएंगे तो वो कमरे नहीं बने हुए, तो यहाँ पे खुले थंब लगा दिए कि आपको खुली जगह बैठने को मिलेगी, क्योंकि 12000 सखियां एक साथ एक एक जगह पे, यहाँ पे एक सिंहासन और 3000 कुर्सियां एक साथ लगेंगी, तो जगह खुली चाहिए ना बैठने के लिए, तो मंदिर नहीं बनाए वहां पे, खुली जगह बना दी। जैसे हम अपने घरों में फर्स्ट फ्लोर पे हो, सेकंड फ्लोर पे हो, बालकनी बने होती है तो बाहर निकलते हैं, तो एक खुली बैठने की जगह बना दी कि यहाँ बैठ के हम अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो ये हमारी 10 मंदिर का जो हांस है उसकी शोभा, और 6000 मंदिरों की भी वैसी ही शोभा कि कमर भर ऊंचा चबूतरा पूरा घेर के उठा दिया किनार पर मंदिरों की जगह, चबूतरा उठा तो मंदिर की हद में वैसे ही दरवाजा, और चांदे के द्वारा सीढ़ियां इस गली में उतरी हुई हैं। हर मंदिर का दरवाजा देखो नजर आ रहा है ये गोल, और चांदे के द्वारा सीढ़ियां नजर आ रही हैं ये हर मंदिर पे आ गए, लेकिन अंदर आएंगे तो मंदिर की ना उत्तर की दीवार होगी, ना दक्षिण की, ना आगे पूर्व की, तीन दीवारें कोई नहीं होगी, लेकिन कौन सी, भीतर वाली दीवार होगी, पश्चिम वाली दीवार होगी। अब आगे बढ़ते हैं तो गुर्ज ने वही अपनी जगह ली है जहां से गुर्ज आ रहा था, नीचे से ऊपर गुर्ज वही खुलेगा, खुलेगा क्या, अभी तो ऊपर 10वीं भौम में भी जाना है। फिर उसके बाद स्पेशल शोभा क्या आएगी कि 100 हाथ का छज्जा आगे ज्यादा बढ़ गया, वही पिक्चर जो हमने दिखाई थी, अभी फिर से दिखाती हूँ उसको कि कैसे छज्जा आगे बढ़ा है, वो हमें कैसे नजर आएगा। ये देखो छज्जा एक्स्ट्रा बढ़ गया ना 100 हाथ का, नी पीछे वाले देखो पीछे नजर आ रहे हैं, ये छज्जा आगे बढ़ गया, और हमारा जो सबसे नीचे वाली धाम रोज की जो पहली परिक्रमा थी सेम इसके इतनी जितनी है, बाकी सब पीछे नजर आएगा लेकिन नीचे और ऊपर ये सेम बराबर छज्जा नजर आएगा, क्योंकि उसकी वो ही 100 हाथ का है और ये भी 100 हाथ का, बिल्कुल साइज एकदम सिमिट्री बराबर, यहां से लेकर 9वीं भौम का छज्जा। अब हम इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे, ये मेरा जहां एरो
हो रहा है, मैं इसको और अभी जूम करती हूँ। ये वाली पिक्चर, ये देखो मंदिर के हमें गेट नजर आ रहे हैं सब पीछे से, और आगे ये थंब हमारे जहां मंदिर की हद थी वहां तक, और यहां से लेकर यहां तक 100 हाथ का छज्जा, ये जो एरो जा रहा है मेरा इस जगह से इतना छज्जा और आगे बढ़ गया, और यहाँ कठेड़ा लगा दिया और साथ में थंब भी वैसे ही लगा दिया। अब हर एक हांस में, यानी कि एक गुर्ज से दूसरे गुर्ज के बीच में, एक हांस में एक सिंहासन और 6,000 कुर्सियां, जिस दिशा में हम बैठते हैं राजी महाराज उस दिशा में हमें उंगली के इशारे से आनंद लीला होती है। सबको ये देखो मंदिर के दरवाजे नजर आ रहे पीछे से, लेकिन आगे आएंगे तो मंदिर बना हुआ तो दिख नहीं रहा, उसकी जगह हमें ये थंब, यानी कि ये दलान कितनी बड़ी हो गई हमारी, 200 हाथ की, दो मंदिर की कह लो चाहे 200 हाथ, ठीक है ना सोनू, 200 हाथ या दो मंदिर का ये ढलान, हमारी पूरी ढलान, खुली जगह मिल गई। हम कमरों से ये गेटों से अंदर आए तो हमारी खुली जगह, तो बड़ा छज्जा यहाँ बैठने की जगह, इसको कहते हैं दूरदर्शिका यहाँ पे। अब हमारे साथ सुंदर साथ हैं सीमा, तो वो नौवीं भूम का रिवाइज कराएंगी। सीमा जी मुझे जो नक्शा कहेंगी मैं वही वाला डालूंगी जिससे उनको अच्छे से बोला जाए। सीमा आप आओ। हेलो, प्रणाम जी। प्रणाम जी। आज हम सब मिलकर हमने नीचे से चले या ऊपर से ही कराऊं? जैसे तुम कहोगे, मेरे को जो नक्शा कहोगे मैं वही डालूंगी। ठीक है, नीचे से चलते हैं चांदनी चौक से। बिल्कुल चालू करो, मैं नक्शा वो वाला डाल देती हूँ। हम चांदनी चौक में खड़े हैं, 166 मंदिर का लंबा और चौड़ा हमारा चांदनी चौक है, जिसमें दो वृक्ष आए हुए हैं 33-33 मंदिर की जगह लेकर। अब हम 100 सीढ़ियों का दर्शन करते हैं, 100 सीढ़ियों चढ़ के हम दो मंदिर के लंबे और दो मंदिर के चौड़े चौक पे पहुंचते हैं। दाएं बाएं देखते हैं, एक एक सीढ़ी ऊंचा चबूतरे की शोभा है, जिससे 10-10 स्तंभ आए हुए हैं, 5-5 अक्षी हैं और 5-5 खुले हैं। सामने देखते हैं तो धाम दरवाजा है दर्पण रंग का, बहुत सुंदर, दो भौम ऊंचा, जिसकी लाल कांगरी है और लाल ही दीवार है और हरे रंग की बेनी आई हुई है। अब हम धाम दरवाजे के अंदर प्रवेश करते हैं तो एक मंदिरों की हार और एक गली के दर्शन होते हैं। उसके बाद हम 28 स्तंभ के चौक में प्रवेश करते हैं। उसके बाद आगे 28 स्तंभ का हम चौक क्रॉस करते हैं तो रसोई की हवेली में, रसोई की हवेली में जाते हैं तो एक थंबों की हार आती है, एक थंबों की हार, उसके बाद मंदिरों की हार आती है। हम उत्तर दिशा की तरफ मुड़ते हैं तो हमारा श्वेत और श्याम मंदिर ईशान कोने पे आता है, जिसके बीच में सीढ़ियों वाला मंदिर है। अब हम सीढ़ी वाले मंदिर से नवी भूम की तरफ चलते हैं। नवी भूम में पहुंच के हम उत्तर में आते हैं तो फिर हम दक्षिण की तरफ आते हैं और फिर पूर्व की तरफ आके 28 स्तंभ के चौक में प्रवेश करते हैं। 28 स्तंभ का चौक में प्रवेश करने के बाद हम आते हैं उस गली में और सामने देखते हैं कि 10 मंदिर की पड़साल है हमारी, उसमें 10 स्तंभ आए हुए हैं, पड़साल वैसी ही है और एक छज्जा उसके साथ एक मंदिर का और शोभा दे रहा है जो जुड़ गया है, और बाकी मंदिरों की जो है शोभा वो एक चबूतरा घेर के आया है, एक कमर भर ऊंचा, जिसमें 3-3 सीढ़ियां हैं, 3 सीढ़ियां चांदों के साथ जुड़ी हैं जो गली में उतरती हैं, और जिसमें भीतरी मंदिरों की जो है भीतरी दीवार की शोभा है और दरवाजों की शोभा है, पर भारी दीवार और संधि की दीवारें नहीं आई हुई है, है ना? ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, आप चलो मंदिर, हाँ मंदिरों वाला सब और बिल्कुल सही है, है ना? 201 गुर्ज आने से हमारे इधर से भी हमारा एक मतलब कि ये भी बढ़ हाँ, हो जाएगी, छज्जा जुड़ा है ना मैं, अच्छा परसार में, हाँ बोला है ना, एक मैं परसार के साथ एक एक मंदिर का जो है छज्जा जुड़ा है, है ना? अब इधर की तरफ आ जाओ, हाँ ठीक है ना, 201 गुर्ज आने से 201 हांस बनते हैं हमारे, है ना, और 201 छज्जों की भी दर्शन होते हैं, छज्जे भी 201 ही गिने जाएंगे क्योंकि हर दिशा में अलग अलग आ जाते हैं, 201 छज्जे हैं
जिसमें कि जैसे एक एक सिंहासन और छह छह हजार कुर्सियां लगी हुई हैं। राजी हमारे को जिस दिशा में हम बैठते हैं उस दिशा के हमको दर्शन कराते हैं। जैसे कि हम पूर्व दिशा में होते हैं तो पूर्व दिशा में सामने हमें जमुना जी, सात घाट और अक्षरधाम और पूरा हमें सर्वस्व सागर के दर्शन कराते हैं। और हम यदि अगिन कोण में होते हैं तो नूर सागर के दर्शन होते हैं, जबकि जिसकी जोगबाई बिल्कुल सफेद रंग की महाहवेलियां आई हुई हैं। और हम दक्षिण की तरफ चलते हैं, दक्षिण की धज्जों में बैठते हैं तो राजी महाराज हमें दक्षिण के पूरे दर्शन कराते हैं, जैसे बट पीपल की चौकी, मानिक पहाड़, नील सागर की महाहवेलियां की दर्शन कराते हैं। और यदि हम नैऋत्य कोने पे जाते हैं तो पीले रंग की महाहवेलियां आई हुई हैं, जो बहुत ही सुंदर दर्शन कराते हैं। और पीछे की तरफ जब हम पश्चिम दिशा में जाते हैं तो दधी सागर है, दधी सागर हमें हरा महावेलियां और धाम द्रज्य के साथ लगते हुए ही फूल बाग, नूर बाग, अन्न बन, धूप दुलीचा, इन सबके दर्शन कराते हैं। उसके बाद वाय कोने पे हमारा यदि छज्जे में हम कह रहते हैं तो राजी महाराज हमें घृत सागर यानी जो आसमानी रंग का है उसकी महावेलियां शोभा देती हैं। और उत्तर की तरफ आते हैं तो हमें लाल चबूतरा, पुखराज पहाड़ और मधु सागर की महाहवेलियां आई हुई हैं। और ईशान कोने पे हम ईशान कोने पे पहुंच जाते हैं तो ईशान कोने पे रस सागर जो 10 रंग का शोभा दे रहा है। इस प्रकार राजी महाराज हमें ऊपर दूर दिशा से सबका दर्शन कराते हैं। जिस जिस दिशा का हमको दर्शन कराते हैं सखियों का मन उसी तरफ जाने का करता है। ठीक है, और कुछ शोभा? बिल्कुल। हाँ जी, बस हो गई। ठीक है सुंदर साथ जी, ऐसे हमारे हर सुंदर साथ हमारे साथ रहेंगे तभी हमारी एक दिली होगी। चाहे कोई भी सुंदर साथ हो, कोई सुंदर साथ किसी की कोई भी बात को हम नहीं पकड़ेंगे कि उन्होंने ऐसे बोला। ये देखो कि कितना सुंदर साथ प्रेम से उस शोभा को डूब रहा है, कितना प्रेम से मेरे राज्य की शोभा का वर्णन कर रहा है। हमने उस चीज को लेना है, उसके रस में डूबना है, अपनी चितवन में जाना है। हमने किसी की वो नहीं देखनी कि उन्होंने क्या बोला, लेकिन एक शोभा मेरे सुंदर साथ की। मेरे सुंदर साथ में कौन बोलते हैं? मेरे राजी बोलते हैं, और कोई नहीं बोल सकता। बहुत अच्छे से हमारी सीमा ने हमें समझाया। तो ये सुंदर साथ जी मैं एक बार और रिवाइज कर रही हूँ। तो यहाँ जब मधु दीदी भी आ गए हैं, मधु दीदी, मधु दीदी, मधु भाभी, आप हमें ये वाली शोभा मंदिरों की एक बारी और बताएंगी। मधु भाभी आप तैयार हैं? ये वाली जो मंदिरों के छज्जे कैसे बड़े हैं एक बारी आप भी बोलेंगे। प्रणाम जी मधु भाभी, आप आओ। प्रणाम जी। हाँ जी, ये हाँ जी। यहाँ से पूरी शोभा, आप यहाँ सीढ़ियों वाले मंदिर से निकलो, 28 स्तंभ के चौक में आ जाओ। पूरा समझाओ यहाँ से मेन दरवाजा भी। हाँ जी, पूरा यहाँ से और ये पूरा। हाँ प्रणाम सुंदर साथ जी, अब हम नमी भोंग में की शोभा को देख रहे हैं। मधु भाभी आप अनम्यूट करो अपने आप को। मधु भाभी मैंने किया आवाज में, किया। हाँ अब ठीक है। हाँ अब ठीक है, आ रही है आवाज? अब आ रही है, आ रही है। प्रणाम सुंदर साथ जी, आज हम नवी भौम का वर्णन सुन रहे हैं। तो नवी भौम की शोभा को देखने के लिए हमें उसके लिए नवी भौम पर जाना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम रसोई की हवेली के साथ आई हुई अपनी लिफ्ट से नवी भौम में जाएंगे। ऊपर पहुंचकर हम दक्षिण के दरवाजे से बाहर निकलेंगे तो दक्षिण की ओर ही चलना शुरू करेंगे। तो थोड़ी आगे जाके हम देखेंगे पूर्व में 28 स्तंभ का चौक हमें नजर आएगा। 28 स्तंभ के चौक से हम थोड़ा सा आगे आएंगे तो हमें एक सामने दीवार नजर आएगी जो कमर भर ऊपर चबूतरे पर बनी हुई है, और उसमें 9 मंदिरों के दरवाजे नजर आएंगे, जो जिसमें बीच का दरवाजा बड़ा है और आसपास के 4 दरवाजे दाएं बाएं के थोड़े छोटे दरवाजे हैं। ये आ रही है आवाज मीनू भाभी? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बोल रहे हो। हाँ बोलो। हाँ जी, इन इन चबूतरों के आगे चांदे बने हुए हैं, इसी मंदिरों के दरवाजों के आगे चांदे बने हुए हैं और उसके दाएं बाएं सीढ़ियां उतर रही हैं, जिनसे हम चढ़ कर जब ऊपर आए तो इन मंदिरों के दरवाजों से हम अंदर आए तो हमने क्या देखा कि अंदर मंदिर तो है ही नहीं, उसकी जगह एक खुली दलान बनी हुई है और ना ही दाएं बाएं की दीवार है ना ही सामने पूरब की दीवार है। पूरब की दीवार पर सुंदर थंबों की शोभा आई हुई है और उसमें सुंदर मेहराबे भी आई हुई है, लेकिन
कमरे नहीं है, सिर्फ दीवार पूर्व की दीवार में सिर्फ दरवाजों की शोभा ही आई हुई है। दीवार नहीं थंब है मधु भाभी यहाँ पे आगे सिर्फ नहीं, नहीं उधर पश्चिम की दीवार में ओके पश्चिम की दीवार में सिर्फ दरवाजे पश्चिम की दीवार आई है सिर्फ और उसमें दरवाजे आए हैं पर आगे कमरे नहीं बने हुए, मंदिर नहीं बने हुए हैं। और उसके थोड़ा आगे आते हैं तो हमने देखा कि जो हमारा 10 मंदिर का पड़साल है उसपे भी सुंदर थंबों की शोभा और 5 रंग के सुंदर थंब आगे लगे हुए हैं, उसके नूर का हीरे का थंब, माणिक का, पुखराज का, 5 का और नीलवी का, और इसके यहाँ कुर्सियां और सिंहासन रखे हुए हैं। इस तरह से ये हमारी बहुत एक खुली दहलान सी बन जाती है, बड़ी दहलान। अब हम अंदर की शोभा को देखते हैं। जब हम पहली हार जो 2 मंदिर 2 थंबों और 3 गलियों की पहली हार में जाते हैं अंदर, तो हम अपना मुख पूर्व की तरफ करके देखते हैं कि जो हमारे पहले मंदिरों की हार आई थी वहां पर एक कमर भर ऊंचा चबूतरा उठ गया है पूरा, और उस चबूतरे की पर एक दीवार आई है जिसमें मंदिरों के पूरे 6,000 दरवाजे हमें नजर आ रहे हैं, और इन दरवाजों के आगे भी चांदे से सीढ़ियां दाएं बाएं उतर रही हैं। अब हम इसके अंदर से प्रवेश करते हैं तो फिर वही देखते हैं कि अंदर मंदिर तो है ही नहीं, सिर्फ दरवाजे थे। वहां भी आगे एक खुली दहलान आ जाती है और आगे फिर थंबों की हार पूरी पूरे नौवीं भौम के चबूतरे को घेर कर आई हुई है, और उसके में भी सुंदर मेहराबे बनी हुई है, ना दाएं बाएं की, ना संधि की दीवार, ना पूर्व की दीवार, कुछ भी नहीं है वहां पे। और आगे आते हैं तो क्या देखते हैं कि एक एक मंदिर का आगे छज्जा और निकला है, और उस छज्जे पे भी सुंदर थंब लगे हुए हैं, मेहराबे हैं, और थंबों के बीच में कठेड़े की सुंदर शोभा आई हुई है। अब इन ये थंबों इसकी दलान को मिला के और कमरों की दलान को मिला के एक बड़ी 2 मंदिर की खुली दलान पूरे नौवीं भौम के गुलाई को घेर कर बहुत सुंदर शोभा दे रही है। क्योंकि हमारे गुर्ज 201 आए हैं तो इसलिए हमारे छज्जे भी 201 बन गए हैं, और हर छज्जे पे सुंदर कुर्सियों की सिंहासन की शोभा आई है जहाँ बैठ के हम राजजी महाराज के साथ पूरे परमधाम के दर्शन करते हैं। राजजी महाराज अपनी उंगली से हमें पूरे परमधाम के दर्शन कराते हैं और हम बड़े प्यार से उनको निहारते हुए हास विलास की लीलाएं करते हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो अंदर की शोभा है नौवीं भौम की, वो बिल्कुल बाकी भौमों की तरह ही आई है। उसी तरह 2 दूसरी मंदिर की हार आई है, 2 थंबों की हार गलियां आई हैं, 36 हवेलियों की शोभा आई है, 9 चौक, स्तून, पानी के स्तून, बगीचे, सब उसी तरह आए हैं। सिर्फ जो अंतर है वो बाहरी हार मंदिरों में और आगे की प्रसार आगे की शोभा में, पहले हाथ की शोभा में आई है। ठीक है जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। और कुछ नहीं, आपने बिल्कुल अच्छे से पहला प्रयास किया आज। कोई बात नहीं, मेरे सुंदर साथ हैं, राज जी के लिए कितना प्रेम है हर सुंदर साथ के दिल में, तो हमें हर सुंदर साथ से प्रेम करना है, उनकी एक एक शब्द से प्रेम करना है, एक एक अल्फाज में डूबना है, सिर्फ यही काम करना अभी है। तो मीनू भाभी आज जुड़ ही नहीं रहा था, कनेक्शन बड़ी मुश्किल से जुड़ा। अच्छा, आप इसीलिए लेट हो गए, कोई बात, बड़ी मुश्किल से जुड़ा। अब हम यहाँ, ये लीला है हमारी, अब इसके बाद थोड़ा सा वीडियो देखते हैं हम। सोनू, यदि वीडियो सही आ रहा होगा तो मुझे बताना, क्योंकि जब मैं उसको बड़ा करती हूँ तो कहीं ब्लर्ड ना हो जाए, तो ये हम शेयर में करती हूँ, देखती हूँ कैसा आता है वीडियो। हाँ जी, YouTube पे है तो और दीदी प्रीति जी भी जुड़ चुकी है। हाँ, वो बाद में उनको सूचना देनी है इसीलिए। एक मिनट, तुम वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो एक मिनट बंद करना, क्योंकि एड आ रही है इसमें, तो ठीक है।
अभी जहां से मैं चालू करूंगी वहां से। हाँ जी दीदी, वॉल्यूम थोड़ी सी तेज हो। तेज करूं? हाँ जी आगे। वीडियो आ रहा है वो वॉल्यूम कम ही रहने दीजिए क्योंकि वो ऊपर नीचे होता है अप डाउन में। राज श्यामा जी रंग परवाली मंदिर में शयन करते हैं। 12,000 रूप धारण करते हैं। 12,000 मंदिरों में सखियों के साथ शयन लीला करते हैं। इश्क वो आनंद में सखियां खो जाती हैं। सखियां जब उठती हैं वो अपने साथ धनी को ना पाकर रंग परवाली मंदिर में आती हैं। धनी को मंगल गीत गाकर उठापन करती है। उठो रे उठो रे उठो प्यारे पिया नकल बिलाती रात भैया चित प्रकाशी। उठो रे प्यारे पिया नकल बिलाती रात भैया चित प्रकाश। छठी भूमि में बाहरी मंदिरों की हार व पहलू थंबों की हार के मध्य देहरान में 6,000 सुखपाल आए तथा एक तख्तरवा 28 थंब के चौक में आया है। शाम के 3 बजे ये सुखपाल तीसरी भूम की पड़साल से लग जाते हैं। तब एक सुखपाल में श्री राज श्यामा जी तथा बाकी सुखपाल में दो दो सखियां विराजमान होती हैं। सब सुखपाल मनचाही गति से उड़कर मनचाही जगह ले जाते हैं। जब हम सखियों के मन में चाहना होती है कि श्री राज श्यामा जी एवं सखियां एक साथ बैठकर जाएं, तो तख्तरवा में बैठकर सैर को जाते हैं। जब तख्तरवा एक गोल मकान जैसा आकाश में उड़ता है तो अति सुहावना दिखाई देता है। सातवीं भूम में 6,000 मंदिरों की दोनों हारों के मध्य के 6,000 थंबों की जो हारे हैं उनकी मेहराबों में 6,000 हिंडोले हैं, अर्थात कुल 12,000 हिंडोले हैं। यहाँ श्री राज श्यामा जी एवं हम सखियां आमने सामने नजरें मिलाकर हिंडोले झूलती हैं। तो इस समय के आनंद का वर्णन शब्दों में तो करना असंभव है। यहाँ दो दो हिंडोलों की ताली पड़ती है। झूलते समय हिंडोले के कुंडों और जंजीरों की मोहनी आवाज वातावरण को और भी आनंदमय बनाती है। आठवीं भूम में सातवीं भूम के समान थंबों की दोनों हारों की मेहराब में 12,000 हिंडोले आए। इसके अतिरिक्त 6,000 हिंडोले इन थंबों के मध्य की मेहराब में आए। यहाँ श्री राज जी महाराज सब सखियों के साथ अनंत रूप होकर हिंडोले से झूलते हैं। चारों तरफ से हिंडोले एक साथ आते हैं तथा चार हिंडोलों की ताली बजती है। नौवीं भूमि में बाहरी हार मंदिरों की जगह में दूरदर्शिका बनी हुई है। बाहरी हार मंदिरों के भीतर तरफ की दीवाल तो आई है परंतु दाएं बाएं की वह बाहरी तरफ की दीवाल नहीं आई है। बाहरी दीवाल की जगह थंबों की हार आई। इसके बाहर तरफ एक मंदिर का चौड़ा छज्जा घेर कर आया हुआ है जिसके किनार पर पुनः थंब आए हैं। थंबों के बीच कठेड़ा आया है। 201 बुर्ज आने से 201 छज्जे दिखाई पड़ते हैं। यहाँ श्री राज श्यामा जी एवं सखियां जिस दिशा में बैठते हैं
उस दिशा का बयान श्री राजजी महाराज अंगुली के इशारे से बताते हुए अनेक प्रकार से हास विनोद करते हैं। जब पूर्व की तरफ बैठते हैं तो सातों घाट श्री जमुना जी एवं अक्षरधाम दिखलाते हैं। जब दक्षिण की तरफ बैठते हैं तो हौज कौसर ताल, 24 हास का महल, माणिक पहाड़ आदि दिखलाते हैं। जब पश्चिम की तरफ बैठते हैं तो दधि सागर देखते हैं, जहाँ की सारी वस्तु हवेली वृक्ष आदि हरे रंग की आई। जब उत्तर तरफ बैठते हैं तो कुकराज पहाड़ दिखलाते हैं। नजरों सब आवट है ऊपर की बैठा, देख दूर की बातें करे रंग रस उपजावे हक। नजरों सब आवट है ऊपर की बैठा, नजरों सब आवट है ऊपर की बैठा, देख दूर की बातें करे रंग रस उपजावे हक। नजरों सब आवत है इन ऊपर की बैठक, नजरों सब आवत है ऊपर की बैठक। जी सुंदर साहब जी, ये हमने नौवीं भौम की शोभा को देखा। हेलो मीनू दीदी, एक सेकंड अभी। हाँ जी बोलो प्रीति। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी आज आपको पूर्णिमा में नहीं चलना है, पिछले आज पूर्णिमा है। बिल्कुल, अभी दसवीं भौम चल रहे हैं। नहीं अभी हम चलने वाले हैं, अभी हमारे पास टाइम है, दसवीं भौम चलना है अभी हमें। बिल्कुल बिल्कुल, राजजी महाराज आज हमारे सुंदर सात का आदेश है, सुंदर सात का लाड है कि हमें आज पूनम की रात पूर्णिमा पे अब चलते हैं हम राजजी के साथ। बहुत आनंद आता है चांदनी रात में, मैं शेयर करती हूँ अभी कितना आनंद है चांदनी पे, तो आज हम उसका आनंद भी लेंगे क्योंकि आज का दिन भी वही है, हमारी पूनम की रात चांदनी का दिन। जी सुंदर साहब जी, आज हमने पूरी एक भौम से लेकर नौ भौम तक की शोभा को अच्छे से समझा, और किसी को नहीं भी समझ आएगा तो हमें व्हाट्सएप करके क्वेश्चन कर सकते हैं, अगले दिन हम स्टार्ट में ही उनके क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, और बाकी जो रह जाएंगे तो दिन में फोन कर सकते हैं, और संडे का दिन होता है। तो ये हमारी नौ भौम दूरदर्शिका की अब शोभा। अब चलते हैं हम दसवीं चांदनी, ये हमारे बाहर की शोभा। पहले सब अच्छे से देखेंगे कि चांदनी पे क्या हमें राज्य के साथ कैसे लीलाएं होती हैं, पूनम की रात पे कैसे क्या शोभा आई है, पहले अच्छे से इसको निहारेंगे। तो एक दिल में करंट आता है कि हम हैं ये सब रूहें, हम ही तो हैं जो राज्य श्यामा जी के साथ यहाँ पे नृत्य करते हैं इस चबूतरे पर, हम ही इन बाग बगीचों में फूलों से बातें करते हैं, यहाँ पे सिंहासन कुर्सियां सब लगी हुई हैं, बहुत आनंद करते हैं, यहाँ पे झीलना करते हैं, इतने फुहारे लगे हुए हैं। तो ये हमारी दसवीं चांदनी, देखो एक एक सखी क्या आनंद कर रही है, सब सखियां पशु पक्षी सब यहाँ पे, पूरा चंद्रमा तक नीचे आ जाता है बातें करते हमसे आज, क्योंकि चंद्रमा भी चेतन है तो सब राजजी महाराज के, तो वो भी यहाँ के बिल्कुल नीचे आ जाता है, सब आपस में खूब आनंद की लीला होता है चांदनी पूर्णिमा के दिन। तो अब हम चलेंगे चांदनी पे, अब इसकी शोभा को हमने समझना है। सबसे पहले नीचे सुंदर सात उस चीज को याद करेंगे कि सबसे नीचे सेंटर में क्या आया हुआ था, सबसे नीचे सबको याद होना चाहिए, सबसे नीचे
क्या आया हुआ था? नो चौक। अब नो चौक और साइड में क्या थे हमारे? पानी के स्तून, पानी के स्तून थे और चार स्तून कॉर्नर में। अब वो चौरस थे, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उस नो चौक के सर के ऊपर, यानी कि नौवीं भौम में भी वो शोभा आई थी, तो दसवीं में क्या आ जाएगा यहाँ चांदनी पे? एक कमर भर ऊंचा चबूतरा गोल गोल उठेगा, और वो जगह फुलवारी की भी लेगा साथ में। नौ चौक के साथ फुलवारी की शोभा थी, तो फुलवारी और नौ चौक, क्यों सीमा? ठीक है ना ये वाली बात? हाँ ठीक है। फुलवारी और नौ चौक पूरी वो जगह लेंगे, तो हमारी गोल चबूतरा, चौरस की जगह गोल, बाकी गिनतियों में नहीं कितना बड़ा छोटा, बस वो जगह ले ली फुलवारी और नौ चौक की जगह। उस जगह हमारा क्या आ गया? कमर भर गोल चबूतरा, और जो नीचे से पानी के स्तून आ रहे थे वो यहाँ पे खुल जाएंगे, यानी कि ये 16 हांस के चह बच्चे बन जाएंगे। ये देखो, नीचे से जो पानी के स्तून आ रहे थे यहाँ पे, ये 16 हांस के चह बच्चे बन गए, और चारों दिशाओं में ये तीन तीन सीढ़ियां ये नजर आ रही हैं, ये चांदनी पे उतरी हैं पूरी। तो ये कमर भर ऊंचा चबूतरा। अब हम देखते हैं आगे क्या शोभा आती है। तो जो नौ चौक और फुलवारी से बाहर की साइड निकले तो क्या आता है? गोल हवेली आती है, चौरस आती है, कि पंचमहल आते हैं? ये शोभा सब दिल में, हाँ पंचमहल की शोभा। तो पंचमहल पे हमारे मेवों के बगीचे, यानी जिस जगह पे वो चार हारे पंचमहल की आई थी, तो ऊपर वहां पे क्या आ गया? मेवों के बगीचे, यानी कि बादाम अखरोट यही है ना मेवे, इनके बगीचे ऊपर लगे हुए पूरे, उसी जैसे चार की जो चार हारे जो बनी थी ना पंचमहल की, तो उस जगह हमारे क्या आ जाएंगे? मेवों के बगीचे, ठीक है। और जो गोल हवेलियां हैं, उसके बाद कौन सी हवेली स्टार्ट हो जाती है पंचमहल के बाद? गोल हवेली। तो गोल हवेली पे क्या आएगी? हमारी दूब, रंग बिरंगी घास, मतलब कि बिल्कुल डिफरेंट कलर की, कोई जगह लाल कोई पीली, अलग अलग कलर की वहां सुंदर दूब दुलीचा, यानी कि बहुत सुंदर घास की शोभा आएगी उस जगह पे। दोबारा से समझते हैं। सबसे पहले सेंटर में जहां पे क्या आया था? नो चौक, और नो चौक के बाहर फुलवारी वाली जगह पे 200 हांस का एक कमर भर ऊंचा गोल चबूतरा। नीचे तो वो चौरस आए थे नौ चौक, लेकिन यहाँ शोभा हमारी गोल चबूतरे की आएगी। और जो चार कोने पे हमारे नीचे जो पानी के स्तून आ रहे थे, वो यहाँ पे चार हमारे 16 हांस के चह बच्चे, यानी कि पूरा स्विमिंग पूल बन जाएगा यहाँ पे पूरी जगह। और यहाँ पे हम सब सखियां राजी के साथ निरत की लीला, बहुत सारी लीला होती है, लीलाओं का जब वर्णन करेंगे तो उसमें अच्छे से समझ आएगा। तो अब हम पंचमहल, क्योंकि उसके बाद पंचमहल की शोभा आती है, तो पंचमहल की शोभा में क्या आएंगे? मेवे के बगीचे, वहां बगीचों की शोभा है पूरी चांदनी पे, बस डिफरेंट डिफरेंट शोभा। पंचमहल की जगह मेवे के बगीचे, गोल हवेलियों की जगह क्या आएगा? हमारी रंग बिरंगी घास, यानी कि जहां नीचे हमारी गोल हवेलियां आएंगी, जितनी भी आएंगी, चार चौरस के बाद चार गोल, फिर चार चौरस के बाद चार गोल, तो जितनी भी गोल हवेलियां हैं वहां पे रंग बिरंगी घास। और जहां चौरस हवेलियां हैं जितनी भी, उस जगह क्या आए? हमारे सुंदर फूलों के डिफरेंट, इतने सुंदर हर तरह के, दुनिया में यहाँ इतने सुंदर फूल हैं, तो उन जगह पे हमारे फूलों के बगीचे सुंदर शोभा। और जहां पे हमारे त्रिपोलिये, यानी कि दो थंबों की हार तीन गलियां आई थी हर हवेली के बाहर, सब सुंदर साथ को पता है, एक हवेली के बाहर निकलते थे तो क्या आता था? दो थंबों की हार तीन गलियां, दो थंबों की हार तीन गलियां, तो उस जगह पे क्या आई है? हमारी नहरें। और जहां चार हवेलियों का जो कोना होता था वहां पे चहबच्चा आ जाएगा बीच में, नहरे और
चह बच्चे की शोभा उन बगीचों के अंदर। तो हर जगह अलग अलग शोभा हो गई। दोबारा से आज इतनी ही रिवाइज करेंगे क्योंकि दहलान की शोभा बाहर वाली उकल करेंगे, क्योंकि हर चीज अच्छे से समझ आनी चाहिए। सेंटर में हमारे नौ चौक और फुलवारी की जगह पे कमर भर गोल चबूतरा, और जहां पानी के स्तून आ रहे हैं ऊपर आके वो खुल जाएंगे, एक पूरा हमारा टेरेस स्विमिंग पूल बनेगा। यहाँ पे दुनिया में इतने स्विमिंग पूल बने हुए, तो हमारे राज्य के यहाँ तो कितना सुंदर नजारा। तो ये स्विमिंग पूल हमारे 16 हंस के छह बच्चे टेरेस के ऊपर चांदनी के ऊपर। अब इसके बाद क्या शोभा आती है? पंचमहल की। पंचमहल की जगह क्या आएंगे? मेवों के बगीचे। और फिर आ जाते हैं गोल हवेलियां, उस पर आएगी रंग बिरंगी घास की शोभा, यानी कि दूब दलीचा, बहुत सुंदर। और जहां चौरस हवेलियां आई हैं वहां पर सुंदर फूलों के बगीचे। और जहां दो थंबों की हार नीचे तीन गलियां आई थी वहां पे क्या आ गया? नहरे, नहरे। और जहां पे वो नहरे, चार नहरे कटेंगी, तो यहाँ पे एक चह बच्चों की भी शोभा देखो, गौर से देखो, ये सुंदर। और इन चह बच्चों में फुआरे चल रहे हैं, ये देखो सब जगह फुआरे चल रहे हैं। और इन 16 हांस के चह बच्चों में भी ऐसे पांच फुआरों की होती है, पांच फुआरे उठते हैं, पांच उठते हैं ना किरण दीदी, हर एक चह बच्चे में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और एक शोभा और कि हमने आना कैसे है। सब सुंदर साथ ये सोचेंगे कि हम ऊपर आएंगे कैसे, क्योंकि यहाँ तो कोई ऊपर सीढ़ी नजर नहीं आ रही है, लेकिन परम धाम चेतन है, ये जो हमारी धरती है नूरमयी, हम इस छत से नीचे तक देख सकते हैं, बिल्कुल पारदर्शी है, हर भूम के हम दर्शन कर सकते हैं यहाँ बैठ के, बिल्कुल सब नजर आता है। जब चौथी भूम का नृत्य होता है, यदि हम सखी यहाँ ऊपर बैठ के, तो यहाँ से हमें नजर आएगा, नूर की दीवारें हैं, कोई वो पत्थर और उसकी नहीं बनी है, सब नजर आ रहा है। तो ऐसे ही जहां हमारी चौरस हवेली में सीढ़ियों का मंदिर होता है, जब ऊपर आता है तो वो छत खुल जाती है, उसी जगह पे ऊपर आएंगे तो छत ऑटोमेटिक खुल जाएगी, और जब सखियां ऊपर आ जाएंगी तो ऊपर उस जगह पूरी छत डल जाएगी। तो ये सब चेतन लीला वहां की, प्रेममयी नूरमयी सुंदर चेतन लीला, स्वलीला, अद्वैत की लीला। राजी श्यामा जी में वहां ये जो लीला होती है वहां कोई फर्क नहीं, सब प्रेम से लीला होती है। तो ये हमारी आज की 10वीं भूम की शोभा राजी महाराज की। हमारा टाइम भी इस वक्त पूरा हो गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय।